नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज एक बार फिर से हम यूपी से एक गुनाह और दिल दहला देने वाली खबर आपके सामने लेके आए हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। माता पिता अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार और दुलार के साथ बड़ा करते हैं, लेकिन वही प्यार दुलार न जाने तब कहां चला जाता है जब लड़की बड़ी होकर किसी लड़के को पसंद करने लगती है। ये लड़की की पसंद माता पिता के लिए न जाने क्यों एक फांस बन जाती है, और किसी को पसंद और ये फांस जो है उनकी आंखों में दिन रात अटकती जो है चुभती रहती है। इस फांस को निकालने के लिए कई बार माता पिता उस हद तक चले जाते हैं कि वो किसी को भी मारने पर या हत्या करने तक पहुंच जाते हैं। बेटी के प्यार को स्वीकार कर, बेटी के प्यार को आज के जमाने में माँ बाप जो हैं वो बेटे के प्यार को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बेटी के प्यार को अभी भी कई माता पिता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बेटी के प्यार को माता पिता अपने मान सम्मान से जोड़ लेते हैं, इसके बाद बात मुझो पर आ जाती है, शान पर आ जाती है, और फिर वो होता है जो कोई नहीं चाहता। माता पिता अक्सर कई बार देखा गया है ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं, जहां पर माता पिता अपनी झूठी शान को बचाने के लिए समाज में इज्जत को बचाए रखने के नाम पर अपनी बेटी की बेदर्दी से हत्या कर देते हैं। एक बार फिर ऐसा ही केस यूपी में सामने आया है, जहां पर माता पिता ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। माता पिता ने बेटी का एक रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को एक कुंडी से टांग दिया ताकि वो आत्महत्या लगे। पुलिस को उन्होंने बताया कि बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो सारा सच उजागर हो गया और माता पिता की जुल्मों की दास्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के सामने बयां कर दी। ये पूरा मामला है यूपी के झांसी जिले का। झांसी जिले के उल्दन गांव में आनंद अहिरावर अपने पति के अपनी पूरे परिवार के साथ रहते थे। हम आपको उनका तस्वीर दिखा देते हैं। आनंद अहिरावर, जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनका बेटी के इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये आनंद अहिरावर हैं और झांसी का उल्दन थाना, जहां पर ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है। पूरी घटना हम तफसील से आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है। यहाँ के अल्दावन के रहने वाली 16 साल की बेटी पूजा, इनकी बेटी के नाम पूजा है, जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, करीब एक साल पहले उसे इसी गांव के रहने वाले अंशु नाम के एक युवक से दोस्ती हो गई। दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों के बीच फोन, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत शुरू हो गई। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। दोनों एक ही जात के थे, लिहाजा दोनों शादी भी करना चाहते थे और उन्होंने शादी के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। उनको था कि हम दोनों एक ही जात के हैं तो घर वालों को भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लोग उन्हें ये नहीं पता था प्यार प्यार होता है, चाहे जैसा हो सबकी आंखों में वो खटकता है। ये बात जब घर वालों के सामने उजागर हुई, गाँव में फैल गई, तो घर की लड़की के माता पिता यानी पूजा के माता पिता ने बदनामी के डर से पहले पूजा को डांटा फटकारा, उसे जो अंशु है उससे बात करने से मना किया। वहीं जो पूजा के पिता आनंद थे वो अंशु के घर पहुंचे, उन्होंने वहां पर अंशु के पिता से इसके बारे में बताया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और वहां पर ये हुआ कि भाई ठीक है, अब दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और दोनों ने एक दूसरे के कह दे बात करना कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और धीरे धीरे दोनों फिर से छुपकर बात करने लगे। मई की बात है, रवि की अंशु की माँ ने बताया कि आधी रात जब वो जगी तो उन्होंने देखा अंशु चारपाई पर सो नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि रवि अंशु जो था उस सीढ़ियों पर छुप कर किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। जब इसके बारे में उन्होंने अंशु से पूछा तो अंशु ने बताया कि वो पूजा से बात कर रहा है, जिसके बाद सुबह एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। अंशु के पिता ने आनंद, जो पूजा के पिता हैं, उनको बुलाया और बताया कि तुम्हारी लड़की हमारे लड़के को फोन करती है, और इस तरह से अगर चीजें बढ़ेंगी तो ये धीरे धीरे मामला और बढ़ता जाएगा, लिहाजा अपनी बेटी को रोको। इस बात से आनंद जो है पूजा के पिता वो बहुत नाराज थे,
वहां वो घर पहुंचे, उन्होंने पूजा से पूछा क्या तुमने फोन मिलाया था, तो पूजा ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ ये अंशु की माँ ने खुद बताया, सुनिए। तो वो लड़का हमारा बात कर रहा था तो हमने कूलर बंद कर दिया है कि भैया तुम किससे बात कर रहे। तो बस वो डरने के बाद कह रहे मम्मी और कल किसी मैन का फोन आया तो हमने समान से बात किया है। तो हमने कही क्यों किया है, कल उसको पास दो बार फोन आया है, हमने फिर तीसरा फोन उठा ला। ठीक है, हमने कहा क्यों लगाया, मम्मी उनने फोन लगाओ, हमने उठा ला। बस इतनी सी बात है। फिर हमने उनको बुलाया, उनकी मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, पापा से कही कि भैया अपने कौती और लड़की को समझा लेना कि देखो मैं लड़का को रात में फोन कर रही हूँ, कुछ हो जाएगा तो आप बीच में नहीं आओगे हैं। तो वे बोले कि ठीक है हम समझा देंगे और हम उनको मम्मी को और लड़की को भेजो, उनने हमारे घर पे आई, हमारी ननद भी आती है, हमारे लड़का भी है तो बड़ो। तो हमने देखे उनसे कही कि देखो बहन अपनी लड़की को समझा लो, कहे बेटा तुमने क्यों फोन लगाया था मोड़ी, हमारे मोड़ा वहां से बोलेंगे हमने नहीं लगाया, हमने कहीं झूठ का बोल रही, हमने अपने लड़का को बोला छोटे का क्या अंशु तुमने लगाया कौन ने लगाया। बोले मम्मी भगवान कसम भजन कसम हमने इन्हें समय ने फोन लगाओ, हमने जाकर के समान तुमने बेटा क्यों फोन लगाओ जी, बोलेंगे हमने नहीं लगाओ। फिर इन्हें कह दी नहीं लगाओ, फिर मम्मी ने कही क्या मोड़ी थे झूठ का बोल रही, सुपे कह रही हाँ मम्मी हमने भज जवान दी के वजह से हमने फोन लगाया है। बस हमने एक बात करके बस उन्होंने कही क्यों मोड़ी कहने फोन लगाओ, उसको ब्लैक लिस्ट में नंबर डरू अंशु को 5-6 महीना से, उसने कैसे लगा दिया खुद वो इन्हें समय ने फोन लगाओ 12-1 बजे फोन लड़की ने ही फोन। अंशु की माँ ने साफ कहा कि वहाँ आमने सामना हुआ, जिसके बाद अंशु की जो पूजा की माँ है, जब पूजा ने ये बात स्वीकार कर ली हाँ उसने फोन मिलाया था, तो पूजा की माँ ने वहाँ पर पूजा को ही 2 थप्पड़ जड़े और बेटी को घर ले जाके गए, जहाँ पर फिर से एक बार पूजा को खूब समझाया गया, इसके अलावा मारपीट भी की गई ताकि वो फोन करना बंद कर दे। इस दौरान पूजा ने कुछ दिनों के लिए फिर से फोन करना बंद कर दिया, लेकिन एक बार फिर से 24 मई का वो काला दिन, जब 24 मई को बताते हैं पूजा अपने प्रेमी अंशु के साथ मिलकर लौट रही थी, इसकी जानकारी पिता आनंद को हो गई, वो आग बबूला हो गए, उसने घर पहुंचकर बेटी को पकड़ा और उससे पूछा कहां गई थी, जिसका बेटी ने जब फिर आनाकानी की तो पिता आनंद जो है वो अपना आपा खो बैठे, उसने उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसके हाथ एक रस्सी लग गई जिससे उसने पूजा के गले में एक फंदा लगा दिया। इसके बाद माँ रमा देवी थी, उन्होंने भी अपने पति का साथ दिया और अपनी बेटी की हत्या में वो भी भागीदार बन गई, उन्होंने पूजा के हाथ पैर पकड़ लिए, वहीं पिता आनंद ने बेटी का गला घोट दिया और बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। जब बेटी की हत्या हो गई तो वो थोड़ा सा घबरा गए, उन्हें लगा कि अब अगर मामला खुला तो फंस जाएंगे, लिहाजा बेटी की हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए दोनों ने बेटी की लाश को रसोई में एक खूंटी से टांग दिया। इसके बाद हल्ला कर दिया कि बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना हुई, पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी मामला आत्महत्या का लगा, क्योंकि पूरे गांव में ये था कि इनकी बेटी का इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, घर वाले नाराज होते हैं और बेटी को डांट फटकार मिली है। तो जो पूजा के पिता है उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की कि उसको डांटा फटकारा गया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने ये कदम उठा लिया। पुलिस को भी यकीन हो गया, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या सोचा कि उसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पूजा के पिता आनंद नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई पूरी करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हुआ तो चौंका देने वाला सच सबके सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले में चोट के निशान के साथ ही पूरे शरीर में भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मौत रस्सी से गला घोटने की वजह से हुई है, जबकि टांगने से नहीं हुई। ऐसा रिपोर्ट में था कि दबाया गया है, रस्सी से घोटा गया है गला, जबकि टांगने से होता है तो उसका निशान अलग बनता है। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब सच्चाई सामने आई, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और आनंद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की तो आनंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने क्या बयान आया हम आपको वो भी सुना देते हैं। अधिकारी ने जो बताया वो भी, पूरी घटना कैसे खुली, कैसे खुलासा हुआ, ये सुनिए। दिनांक 24/5/2023 को थाना क्षेत्र उल्दन के उल्दन गांव में एक लड़की ने अपने घर में हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया, इसकी सूचना थाना को मिली थी। इस सूचना पर पुलिस वहाँ गई थी और पुलिस ने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की जांच के दौरान
उपनिरीक्षक को जब ये पता चला कि ये हैंगिंग नहीं बल्कि इसका लड़की का गला दबा करके इसकी हत्या की गई है, जांचोपरांत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जब आगे विवेचना की गई तब ये पता चला कि लड़की का अपने गांव के लड़के से बातचीत होती थी, जिसको ले करके लड़की के माँ बाप नाराज थे और उन लोगों ने ही उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। देखा आपने, गुस्से में उठाया एक कदम से क्या हुआ, पूरा परिवार तबाह हो गया, बेटी की मौत हो गई, माता पिता दोनों जेल चले गए, अब घर में सन्नाटा पसरा है, कोई न समाज खड़ा है न परिवार खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की, वो समाज भी कह रहा है कि अपनी बेटी के हत्यारे हैं, इनसे बड़ा गुनाहगार तो कोई नहीं हो सकता। अगर शायद आनंद अहिरावत थोड़ा ठंडी दिमाग से काम लेते, बेटी को समझाने की कोशिश करते कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़के वाले मान जाए, लेकिन जब लड़के ही नहीं तैयार है तो वो क्या कर सकते हैं, शायद तब कोई और रास्ता निकल सकता था। लेकिन किसी की हत्या कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं होती है, क्योंकि हत्या सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरह ले जाती है और अब पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बेटी की मौत है, माता पिता जेल में हैं, जो एक छोटा भाई है वो अकेला रह गया है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो भी दर दर भटकेगा, दर दर किसी अपराधी के संगत में आ गया, कहीं कोई और आ गया जिसको जिसकी नज़र उसकी ज़मीन जायदाद में हुई तो क्या होगा उस बच्चे का। तो ये खबर तब की आँख खोल देने वाली है। कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ लोग आप लोगों को लगेगा, कई लोग होंगे जो कहेंगे माता पिता ने सही किया, लेकिन कभी भी किसी की हत्या कभी सलूशन नहीं हो सकता। एक बात यह है, कई लोग हो सकते हैं उनका मानना हो कि माता पिता बेटी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई बेटी किसी को पसंद करती है तो हमेशा गलत हो। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, कई बार अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, हाँ कई बार खराब मिलते हैं, तो आप उसको समझाने की कोशिश के लिए, लेकिन हत्या से बर्बादी आएगी, आप कानून के पंजे से कभी बच नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं बच जाते हैं, लेकिन वो माता पिता जो होते हैं जो अपनी बेटी की हत्या करके सोचे हम बच जाए, कानून के फंदे से तो बच सकते हैं, लेकिन जो मन में मलाल रहता है वो हमेशा आपको चुभता रहेगा। नमस्कार, देखते रहिए इसी तरह से गुनाह, यूपी में होने वाले गुनाहों की बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत ही जल्द दूसरी खबर के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे।